अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा फाफड़ा घर पे बनाना है तो मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। जब भी हम घर पे फाफड़ा बनाते हैं तो या तो फिर वो लाल बनते हैं, या तो फिर हम उसको ठीक से फैला नहीं पाते, या तो फिर वो थोड़े कड़क रहते हैं, उसमें छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, या थोड़े नरम रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए, शायद आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा भी लगे, लेकिन मैंने इसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की है जिससे आपके फाफड़ा बहुत ही बढ़िया बनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो फाफड़ा बिल्कुल मार्केट में जैसा मिलता है वैसे ही बने हैं। तो शुरू करते हैं फाफड़ा की रेसिपी। सबसे पहले तो फाफड़ा के लिए हमें चाहिए होगा बेसन। जब भी हम फाफड़ा के लिए बेसन लेते हैं तो पहले तो हमें मार्केट वाला बेसन लेना है। यहाँ पे मैंने 1 कप जितना बेसन लिया है, अगर ग्राम में हम देखें तो ये 100 ग्राम जितना बेसन है। अभी मार्केट वाला बेसन हमें क्यों लेना है, क्योंकि मार्केट वाला जो बेसन आता है वो बहुत बारीक होता है, तो इसे फाफड़ा का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। दूसरी चीज, जब भी हम फाफड़ा बनाते हैं तो बेसन को हमें छान के ही लेना है। तो यहाँ पे आप आलस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बेसन को आपको छान के ही लेना है, तभी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बहुत बार बेसन में गुठलियाँ भी रहती है तो वो भी निकल जाएगी। अगर आप पहली बार भी फाफड़ा बना रहे हो, अगर ये रेसिपी आपने आखिर तक देख ली तो आपके फाफड़ा भी बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। ये देखिए, बेसन को तो हमने अच्छे से छान लिया। अभी हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तो अजवाइन डाल देंगे, तो 1 चम्मच जितनी हमने अजवाइन डाल दी है। साथ ही में हम 1/2 चम्मच जितनी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो ये रफली कूटी हुई काली मिर्च है, तो वो हम इसमें डाल देंगे। ये ऑप्शन है, बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी डालते। इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अभी हम इसमें डालेंगे फाफड़ा और गांठे का जो सोडा आता है वो। ये जो सोडा है वो आपको किसी भी करियाने स्टोर में मिल जाएगा। आपको उनको ये बताना है कि जो लूज में आता है वो सोडा दीजिए, फाफड़ा और गांठिया का सोडा जो आता है वो दीजिए, जो पैकेट में आता है वो आपको नहीं लेना है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सोडा आते हैं या फाफड़ा में हम उसको डाल सकते हैं। तो ये फाफड़ा और गांठिया का सोडा है, मैं आपको हर एक ऑप्शन दिखा देता हूँ यहाँ पे। दूसरा जो एक आता है वो आता है पापड़ खार। ये देखिए, ये पापड़ खार है। पापड़ खार जो आता है वो थोड़ा शाइनिंग वाला होता है और थोड़ा उसका जो टेक्सचर है वो रुई जैसा होता है। तो आप फाफड़ा गांठिया की सोडा की जगह ये पापड़ खार भी डाल सकते हो। तीसरी चीज जो आती है वो हमारा जो बेकिंग सोडा आता है, जैसे कि अभी ये टाटा का बेकिंग सोडा है, तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, फाफड़ा या गांठिया का सोडा, पापड़ खार या बेकिंग सोडा। लेकिन सबसे बढ़िया जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो फाफड़ा और गांठिया का जो सोडा है उससे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये 1/2 चम्मच जितना ले रहा हूँ। अगर आप पापड़ खार ले रहे हो तो वो भी आपको 1/2 चम्मच लेना है। और अगर आप ये बेकिंग सोडा लेते हो तो बेकिंग सोडा आपको 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लेना है, वरना फाफड़ा जो है वो लाल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच जितना फाफड़ा का जो सोडा है वो डाल दूंगा। अभी जैसे मैंने चम्मच की बात की, तो नॉर्मली हमारे घर पे 2 साइज की चम्मच रहती है, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो यहाँ पे जब भी हम सोडा डालते हैं तो हमें छोटी वाली जो चम्मच आती है वो लेके सोडा डालना है। कभी भी बड़ी वाली चम्मच का मेजरमेंट लेके सोडा मत डालिएगा, वरना जो फाफड़ा और गांठिया है वो लाल हो जाएगा। अभी जो छोटी वाली चम्मच है वो 2 चम्मच जितना हम तेल डाल देंगे। अगर टीस्पून में आपको माप चाहिए तो 1 टीस्पून जितना हमें तेल डालना है, लेकिन अगर घर की चम्मच आप ले रहे हो छोटी वाली तो आपको 2 चम्मच जितना तेल डालना पड़ेगा। अभी सब कुछ हम यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे। बहुत सारे लोग इसमें हल्दी पाउडर भी डालते हैं, तो अगर आपको डालना है तो हल्दी पाउडर भी 1 चुटकी साथ डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर नहीं ले रहा हूँ। सब कुछ पहले तो हम हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत ही जरूरी है, आपको हाथों से सब कुछ अच्छे से मिला लेना है, ताकि जो सोडा हमने डाला और सारे जो मसाले डाले वो सबसे पहले तो बेसन में अच्छे से घुल जाए। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ये जो आटा है वो थोड़ा सा नरम लगेगा। फिर से हम थोड़ा पानी डाल देंगे। यहाँ पे आपको मैं पानी का माप नहीं बताऊंगा, आपको वो अंदाजे से ही डालना होगा, क्योंकि हर एक जो बेसन आता है उसके क्वालिटी पे पानी का जो प्रपोर्शन है वो डिपेंड करता है। लेकिन आपको आटा देख के अंदाजा लगा लेना है कि आपको कितना पानी चाहिए होगा। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और नरम सा आटा लगा लेंगे। ये देखिए,
आटा बहुत अच्छे से लग गया है, लेकिन ये आटे का टेक्सचर देखिए, ये अभी बिल्कुल रफ लग रहा है, और अगर मैं इसको खींचूं तो ये तुरंत ही टूट जा रहा है। तो अगर ये आटे से आप फाफड़ा बनाने जाओगे तो कभी भी आपका फाफड़ा नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो आटा है उसको अच्छे से गूंदना पड़ेगा। अब ये जो हमने आटा लगाया है उसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का बॉल ले लिया है, आप चाहो तो अपने किचन प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो या एक बड़ी सी परात भी ले सकते हो। आटे को हम अच्छे से गूंद लेंगे, हथेली की मदद से उसको अच्छे से गूंदना है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो आटा थोड़ा चिकना लग रहा है, तो हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, करीबन आधी चम्मच जितना। अभी हम इसको मसल मसल के अच्छे से गूंद लेंगे। जितना ही अच्छा आप आटे को गूंदोगे उतना ही बढ़िया आपका फाफड़ा बनेगा। जब भी आप फाफड़े को अच्छे से नहीं फैला पाते या तो फाफड़ा कड़क बनता है, उसका मतलब यह है कि आपने आटे को अच्छे से नहीं गूंदा है। जैसे जैसे आप गूंथते जाओगे आटा बहुत ही सॉफ्ट और लचीला बन जाएगा। ये आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एकदम लचीला बन रहा है। आटा गूंथने की जो ये प्रोसेस है वो आपको करीबन 5 मिनट तक तो करनी ही है, और बीच बीच में हम इस पे तेल डालते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वो फिर से थोड़ा चिपक रहा है, तो फिर से हम आधी चम्मच जितना तेल डाल देंगे। तो तेल डालने की ये जो प्रोसेस है वो आपको 2 से 3 बार करनी होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एकदम लचीला आटा बन गया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। आपको आटे से खींचना है, आप देख सकते हो पहले से अभी ये काफी अच्छा खींच रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा नहीं खींच रहा, तो आटे को हम और भी अच्छे से गूंद लेंगे। आप अभी फर्क देख सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया था कि बहुत ही रफ आटा है और हम उसको खींच बिल्कुल भी नहीं पा रहे थे, अभी आटा बहुत ही स्मूथ और एकदम लचीला बन गया है। ये देखिए अब ये कितना अच्छे से हम इसको खींच पा रहे हैं। अभी ये आटे से अगर आप फाफड़ा बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगा, और आप उसको फैला भी अच्छे से पाओगे। ये देखिए आटा तो हमारा बहुत ही अच्छे से लग गया है। तो आटे को हम बोर्ड पे ऐसे रोल कर लेंगे। ये जो आटा है उसको हमें रेस्ट देना है करीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि आटा हमारा अच्छे से लग गया है अभी हम इसमें से तुरंत ही फाफड़ा बना लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 15 मिनट तो रेस्ट देना ही है, तभी फाफड़ा बहुत ही बढ़िया बनेगा। अभी जब तक इसका हम रेस्ट देते हैं तब तक हम फाफड़ा की चटनी या फाफड़ा की कड़ी जो है वो बना लेंगे। फाफड़ा की कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप जितना हम पानी लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे नींबू के फूल। तो नींबू के फूल हमें एक चुटकी जितना ही डालना है, आधी चम्मच से भी थोड़ा कम डालना है। आप देख सकते हो बहुत थोड़ा सा हमें नींबू के फूल डालने हैं। अभी हम इसमें डालेंगे शक्कर, तो करीबन 2 चम्मच जितनी हम शक्कर डालेंगे। शक्कर से ये बिल्कुल भी मीठी नहीं बनेंगी, लेकिन जो सारे फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। जब भी हम मार्केट वाले फाफड़ा लाते हैं तो उसके साथ जो कड़ी आती है उसमें शक्कर थोड़ी डलती ही है। अभी हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर करीबन 1/4 टीस्पून जितना, और साथ ही में इसमें हम डालेंगे बेसन, तो यहाँ पे 2 चम्मच जितना हम बेसन डाल देंगे। अभी सभी चीज को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे जो हमने बेसन डाला है उसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, तो सभी चीज को आपको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने सब कुछ अच्छे से मिला लिया है और इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है। अभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अभी हम एक पैन में तेल डालेंगे, तो 1 चम्मच जितना हम तेल डाल देंगे। अभी तेल गर्म हो जाए तब उसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी राई। राई को हम अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही राई चटकने लग जाए तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। तो यहां पे मैंने एक हरी मिर्च ली थी जिसको बारीक काट लिया है। 4 से 5 पत्ते कड़ी पत्ते के डाल देंगे, और उसके बाद डाल देंगे हींग। तो करीबन 1/4 टीस्पून जितनी हींग डाल देंगे। तो हमारी कड़ी का तड़का जो है वो अच्छे से तैयार है। अभी हम इसमें डाल देंगे पानी, तो यहां पे करीबन 1/4 कप जितना हम पानी डालेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आपको पानी ही डालना है, उसके बाद ही जो बेसन वाला मिश्रण है वो डालना है। कभी कभी बेसन वाला मिश्रण आप डायरेक्ट डाल देते हो तो उसमें गुठलियां भी पड़ सकती है। अभी हमने जो बेसन का मिक्सचर बनाया था तो वो इसमें हम डाल देंगे। यहां पे गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो रखनी है, और स्लो फ्लेम पे ही ये जो फाफड़ा की कड़ी है उसको आपको पकाना है। अगर आपको दही वाली जो फाफड़ा की कड़ी आती है उसकी रेसिपी चाहिए तो वो रेसिपी भी मैंने पहले अपलोड की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो वो रेसिपी भी आप चेक जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी आप अपनी जरूरत अनुसार डाल सकते हो।
अब इसको स्लो फ्लेम पे हम करीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे और करीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी आप देख सकते हो फाफड़ा की जो कढ़ी है वो बहुत ही बढ़िया बनके तैयार है। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल हमें ऐसी ही चाहिए। जब ये ठंडा होगा तो और भी ये थोड़ी गाढ़ी बन जाएगी। अभी हम फाफड़ा का मसाला बनाएंगे। ये मसाला फाफड़ा पे डालने से फाफड़ा का जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक कटोरी में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जितनी हींग, साथ ही में डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर और आखिर में इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये तीनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारा फाफड़ा का मसाला बन जाएगा। जब भी आप गर्मा गर्म फाफड़े पे ये मसाला छिड़कोगे आपका जो फाफड़ा है वो बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनेगा। अब ये जो फाफड़े का आटा है उसको भी हमने बहुत ही बढ़िया आराम दे दिया है तो उसको थोड़ा मसल लेंगे। तो थोड़ा सा गर्म तेल इस पे लगा लेंगे और बहुत ही केयरफुली इसको हम मसल लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जो तेल है वो थोड़ा गर्म होगा तो आपको उस हिसाब से उसको मसलना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फाफड़े को कैसे फैलाना है और वो भी दिखाऊंगा कि लोग क्या क्या गलती करते हैं और आपकी जो पैन की साइज है उस हिसाब से आपको फाफड़े की साइज रखनी है। तो यहाँ पे मैंने एक लुइया ले ली है और इसके नीचे का भाग आप देख सकते हो थोड़ा पतला रखा है, लेकिन उससे पहले आपको कोई भी चाकू या एक पट्टी आपके बाजू में रखना है। जितना ही बढ़िया और जितना पतला आपका चाकू या पट्टी होगी उतना ही बढ़िया फाफड़ा अच्छे से निकल आएगा। अभी फाफड़ा फैलाने में क्या क्या गलती होती है पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का बॉल ले लिया है, आप चाहो तो किचन प्लेटफॉर्म पे भी इसको फैला सकते हो। अभी हथेली के कौन से भाग से इसको घिसना है वो भी आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले ये नीचे वाला जो भाग है पहले हम इससे घिसेंगे और ऊपर वाले हिस्से से भी आपको घिस के बताऊंगा। तो ये लुइया ली है, अभी ये जो नीचे वाला हिस्सा है उससे हम उसको आगे की ओर फैलाएंगे। ये देखिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। एक तो इसका जो शेप है वो अच्छा नहीं आया, बीच से ये थोड़ा पतला बना है और साइड से ये थोड़ा मोटा बना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर वाले हिस्से से फैला के। तो फिर से थोड़ी लुइया ले लूंगा, उसके बाद इसको फैलाऊंगा। ये देखिए ये भी ठीक से नहीं बना, इसका जो शेप है वो भी अच्छा नहीं बना और एक साइड से ये पतला बना, एक साइड से थोड़ा मोटा बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हथेली का जो नीचे का हिस्सा है या ऊपर का हिस्सा है उससे आपको फाफड़ा बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। दूसरी बात, अगर आपके हाथ पे थोड़ा सा भी आटा चिपका है तो आपको आटा निकाल लेना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फाफड़े को आपको हाथ का किस हिस्से से फैलाना है और कैसे वो बढ़िया बनेगा। तो ये थोड़ी सी लुइया मैंने ले ली है और ये जो वाला हिस्सा है ये बीच वाला हिस्सा, नीचे हथेली के नीचे की साइड पे जो बीच वाला हिस्सा है उससे आपको फाफड़ा फैलाना है। तो ये छोटा सा रोल बना लिया, नीचे का जो हिस्सा है वो आपको थोड़ा पतला रखना है। अभी हथेली का जो नीचे का बीच वाला हिस्सा है उससे एक समान प्रेशर देके हम अपने शरीर से आगे की ओर उसको ले जाएंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया, एकदम पतला फाफड़ा बन गया है। अभी मैंने ये पट्टी वाला चाकू ले लिया है, उसको दबाते जाएंगे और अपने शरीर की ओर खींचेंगे। यहां पे आपको रुक रुक के बिल्कुल भी नहीं खींचना है, एक ही ओर में उसको खींच लेना है। ये देखिए एकदम पतला फाफड़ा तैयार है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया एकदम पतला फाफड़ा बना है। अगर ऐसे फाफड़े बने हो ना तो खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको दूसरा फाफड़ा भी फैला के दिखा देता हूं। यहां पे ये जो लकड़ी का बॉर्ड है उसके नीचे मैंने एक कपड़ा रख दिया है ताकि ये खिसक ना जाए। ये जो लकड़ी का बॉर्ड है उसको आपको ग्रीस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो छोटी लुइया लेके उसको दबाते हुए आगे की ओर ले जाना है। ये देखिए फिर से बहुत ही बढ़िया एकदम पतला फाफड़ा तैयार है। एक चाकू की मदद से या पट्टी की मदद से उसको हम निकाल लेंगे और आप देख सकते हो बहुत ही आराम से ये निकल आ जाता है। अभी बात आती है तेल के तापमान की। तो कभी भी फाफड़े को हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई किया जाता, तो उसके लिए मैंने जो आटा है उसका थोड़ा सा हिस्सा इसमें डाला है, वो धीमे से ऊपर आना चाहिए। अभी आप देख सकते हो वो धीमे से ऊपर आ गया है, तो अभी हम इसमें फाफड़ा डालेंगे।
आप देख सकते हो जैसे मैंने फाफड़ा डाला वो तुरंत से फ्राई होना स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर आपने बहुत ज्यादा गर्म तेल में फाफड़ा डाल दिया तो आपके जो फाफड़ा है वो लाल हो जाएंगे और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। तो फाफड़ा को हमने डाल दिया है, अभी हम एक चम्मच लेंगे और उसको धीमे से दबाते जाएंगे ताकि ऊपर भी थोड़ा सा तेल आ जाए। जब भी हम मार्केट से फाफड़ा लाते हैं तो उसकी जो किनारी होती है वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है और ऐसे ही फाफड़ा खाने में बहुत ही मजा आता है। तो फाफड़े को हम बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए साइड से भी अच्छे से ये मुड़ रहा है। इसी प्रकार हम सारे फाफड़ा फ्राई कर लेंगे। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो आप उस समय पे थोड़ी देर के लिए गैस बंद भी कर सकते हो। ये देखिए फाफड़ा बहुत ही अच्छे से मुड़ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फाफड़ा बहुत ही अच्छे से फैला हुआ है, बहुत ही पतला बना है। जब भी फाफड़ा आपने डाल दिया उसके बाद तुरंत बाद उसको नहीं पलटना है, थोड़ी देर के बाद पलटना है। अभी ये फाफड़ा फ्राई होके तैयार है तो उसको हम निकाल लेंगे। अभी हम इस पे छिड़क देंगे फाफड़ा का मसाला। ये देखिए देखने से ही पता चल जाता है कि फाफड़ा बहुत ही बढ़िया बने हैं। अभी मैंने यहां पे गैस को बंद कर दिया है, तेल हमारा गर्म ही है तो उसमें हरी वाली जो मिर्च है उसको हम फ्राई कर लेंगे। कभी भी हरी वाली मिर्च को बहुत ज्यादा गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है क्योंकि बहुत बार वो फटती है। तो उसको करीबन 15 से 20 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और जब भी आप हरी मिर्च को फ्राई करते हो तो उसको काट के ही फ्राई करना है, कभी भी उसको पूरी मत डाल दीजिएगा वरना वो बीच से फट जाती है, तो कभी कभी जो तेल है वो आप पे उड़ भी सकता है। अभी हरी मिर्च को भी हम बाहर निकाल लेंगे। अभी हरी मिर्च पे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हरी मिर्च भी हमारी तैयार है। ये देखिए एकदम गर्मा गर्म बहुत ही बढ़िया फाफड़ा तैयार है। अभी हमने जो फाफड़े के साथ कढ़ी बनाई है वो भी इसके साथ में हम सर्व कर देंगे। हरी वाली जो मिर्च है वो भी साथ में रख देंगे। अभी फाफड़ा तो हमने बना लिए तो उसके साथ सर्व करेंगे जलेबी। अगर आपको जलेबी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत ही जल्द एकदम ओरिजिनल वाली जलेबी की रेसिपी भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये फाफड़ा की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी नहीं लगी तो एक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और भी ज्यादा इंप्रूव करने में मदद मिले।